हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ नॉन इन्वर्टर एसी का और एक स्मॉल रूम साइज़ के लिए। यानी अगर आप सर्च मार रहे हैं 0.8 टन या 1 टन से भी कम, जो आप अपने ऑफिस के लिए यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप अपने छोटे रूम साइज़ के लिए लगवाना चाहते हैं, तो उसी का मैं आज आपको रिव्यू दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना का ना भूलिए, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए ही बनाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये आपका कितने टन का है। ये आपका 0.8 टन का है, जिसको कि आप 100 स्क्वायर फीट के करीब करीब भी लगा सकते हो और 110 स्क्वायर फीट पर भी लगा सकते हो। ठीक है, उससे 100 स्क्वायर फीट इसका स्टैंडर्ड रूम साइज है। चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स के मॉडल नंबर की, कि ये मॉडल कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो मॉडल नंबर है FTL28UV16W1 इसका मॉडल है। तो फ्रेंड्स, इसमें दो आते हैं, एक इंडोर और आउटडोर। आउटडोर का भी मॉडल मैं आपको बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो फ्रेंड्स, इसका जो आउटडोर यूनिट है RL28UV16W1 इसका मॉडल है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके कूलिंग कैपेसिटी की, क्योंकि जब आप एसी लेते हो तो सबसे पहले उसकी कूलिंग ही देखी जाती है कि उसकी कूलिंग कितनी है। तो फ्रेंड्स, ये आपका 0.8 टन का है, तो इसकी जो रेटेड कूलिंग कैपेसिटी है फ्रेंड्स, 2800 वाट की इसकी रेटेड कूलिंग कैपेसिटी है। ISER की बात करेंगे कि ये इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। तो फ्रेंड्स, इसका जो इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है वो है आपका 3.95 के करीब का इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है ISER। अब बात करते हैं कि एसी जब चलता है तो इसकी यूनिट कितनी आती है। तो फ्रेंड्स, जो एसी के स्टार रेटिंग में रेटेड दिया जाता है यूनिट पर ईयर, वो आपको मैं बता देता हूँ 548.84 यूनिट के करीब ये रेटेड है इसका यूनिट पर ईयर एक साल की। ठीक है, नॉइज लेवल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो 32 GB का इसका नॉइज लेवल है, यानी 32 GB के करीब ये आवाज़ करेगा, यानी बहुत ही कम। चलिए, अब आप एसी लगा रहे हो तो एसी का देखा जाता है कि साइज़, कि आप अगर वहाँ छोटे रूम में लगा रहे हो तो वहाँ पे कितना साइज़ पे ये एसी आपका परफेक्टली बैठेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके साइज़ की। तो हाइट, विड्थ और डेप्थ में मैं बताऊँगा। सबसे पहले मैं इसके इंडोर यूनिट का डेप्थ वो बताऊँगा आपको, इन डायमेंशन। तो 298 × 800 × आपका 229 इसकी हाइट, विड्थ और डेप्थ है। वहीं पर हम आउटडोर की बात करते हैं तो 550 × 675 × आपका 284 के करीब इसकी आउटडोर की डायमेंशन है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कंप्रेसर किस टाइप का आता है। तो इसमें फ्रेंड्स आपको रोटरी कंप्रेसर मिलता है, जो कि एक कट ऑफ लेके चलता है। यानी अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो एक आपके डिजायर टेम्परेचर पे जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है कि ये वाला आपका एसी जो है नॉन इन्वर्टर एसी है, वो है फिक्स स्पीड एसी, जिसको हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टर, जो कि अप डाउन करता रहता है। इसीलिए, क्योंकि वो अपने एक डिजायर टेम्परेचर पे आने के बाद कंप्रेसर को ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो कंप्रेसर है वो आपका 52 डिग्री के करीब टेस्टेड है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके एयर फ्लो की, तो इसका जो एयर फ्लो थ्रो है फ्रेंड्स, वो आपका 52 फीट के करीब है, यानी 16 मीटर के करीब इसका एयर थ्रो है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें फीचर्स की। तो इसमें जो फीचर्स आते हैं फ्रेंड्स, इसमें सेल्फ डायग्नोसिस का फीचर आता है फ्रेंड्स। सेल्फ डायग्नोसिस में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप इस एसी को यूज़ करते हैं और इसमें अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये एसी ऑटोमेटिकली सेल्फ डायग्नोसिस करेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। यानी आपको ये एरर कोडिंग शो कर देगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। बात करते हैं फ्रेंड्स कूलिंग की, तो इसमें आपको पावर चिल का भी ऑप्शन दिया जाता है फ्रेंड्स। रिमोट में ही पावर चिल का ऑप्शन होगा। पावर चिल का फ़ायदा ये होता है कि एक टाइप से ये आपके घर को, रूम को, ऑफिस को एकदम ठंडा बना देगा, यानी एकदम चिल्ड कर देगा। क्यों? जब भी आप पावर चिल का ऑप्शन दबाओगे तो ये हाईएस्ट कैपेसिटी पे चलेगा, जिसकी वजह से ये आपको रूम के अंदर प्योर और पावरफुल कूलिंग प्रोवाइड करता रहेगा। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट फीचर की, तो इसमें आपको ड्राई मोड का भी फंक्शन आता है फ्रेंड्स। ड्राई मोड क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए आप बरसात के सीजन में एसी चला रहे हैं, अंदर का मौसम, रूम के अंदर का मौसम चिपचिपाट वाला है, आपको सफोकेशन हो रही है, ह्यूमिडिटी वहाँ पे बन रही है, तो ड्राई मोड पे चलाने पे क्या होता है, ये सफोकेशन और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट फीचर की बात कर रहे हैं, तो इसमें PM2.5 फिल्टर भी आपको मिलता है। PM2.5 फिल्टर होता है फ्रेंड्स पर्टिकुलेट मैटर, जो कि एक बालों से भी छोटी डस्ट कण होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, उसको भी ये रिमूव और डिएक्टिवेट करता है। साथ ही साथ इसमें फ्रेंड्स आपको जो कॉपर कॉइल मिलती है इंडोर और आउटडोर में, 100% कॉपर कॉइल मिलती है, जो कि ड्यूरेबल होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है और रिपेयरेबल भी होती है।
तो फ्रेंड्स आजकल जितने भी एसी आ रहे हैं सभी में कॉपर ही आ रहे हैं। बात करते हैं इसमें कूलिंग की, तो इसकी जो रेफ्रिजरेंट है फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेंट की बात करते हैं तो इसमें फ्रेंड्स R32 रेफ्रिजरेंट है। R32 रेफ्रिजरेंट फ्रेंड्स मोस्टली हर एसी में आ रहा है। R32 रेफ्रिजरेंट का फ़ायदा ये है कि ये इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होती है, ओजोन लेयर को ये हार्म कम करती है और ये बेस्ट मानी जाती है कूलिंग के लिए। अगर बात करें फ्रेंड्स इसके कूलिंग परफॉर्मेंस की कि इसका जो फ्लैपर है कूलिंग किस टाइप से देता है, तो अप एंड डाउन और लेफ्ट टू राइट ये कूलिंग देता है, यानी फ्रेंड्स ये आपका 4-way कूलिंग के साथ भी आता है। फ्रेंड्स इसमें आपको एंटी करोजन ट्रीटमेंट BT ऑयल के साथ दिया जाता है, यानी इसका जो इंडोर होता है आउटडोर होता है उसमें आपको स्पेशली एंटी करोजन ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी अगर आपके घर के आसपास नाले वगैरह है या वहाँ पे सल्फर की मात्रा ज़्यादा है, तो डेकिन कंपनी ने स्पेशली यहाँ पे एक कोटिंग की गई है BT ऑयल की, जिसकी वजह से आपका जो इंडोर वगैरह है वो काफ़ी हद तक सेफ हो जाता है। उसमें क्या होगा, रस्टिंग वगैरह की प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो एक टाइप से ये इंडोर यूनिट की लाइफ को बढ़ा रहा है। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, तो इसमें आपको DNNS सेल्फ हील कोटिंग भी दी जाती है। फ्रेंड्स DNNS सेल्फ हील कोटिंग क्या होती है, सेम वही होती है कि जब भी ये एसी चलता है और इंडोर यूनिट इसका वर्क करता है तो इसमें जो कोटिंग दी जाती है, धूल कण जो आ जाती है, बैक्टीरिया वगैरह जो आ जाते हैं या सल्फर वगैरह आ जाते हैं, उससे ये इंडोर इवेपरेटर कॉइल को क्लीन और मतलब बचाता है, एक टाइप से सेफ रखता है। तो एक टाइप से सेफ्टी के पर्पज से कंपनी ने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है। अगर बात करें स्टेबलाइजर रेन की, तो फ्रेंड्स इसमें आपको स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसकी वोल्टेज होती है 170 से स्टार्ट हो जाती है, तो अगर आपके वहाँ पे फ्लक्चुएशन की ज़्यादा मात्रा है तो वहाँ पे आपको स्टेबलाइजर लगाना ही पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके वारंटी की, तो कंपनी इसमें आपको 1 की टोटल वारंटी देती है और 5 की इसके कंप्रेसर की वारंटी देती है। तो फ्रेंड्स ये था 0.8 टन डेकिन का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर इस मॉडल के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछिए और चैनल को लाइक ऐसा सब करना ना भूलिए।